आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स के लिए पी ऑफ माइनस वन बराबर माइनस तीन हो तो पी एक्स प्लस तीन का एक गुणनखंड होगा ना। ऑप्शन दे रखा है एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, नीचे ऑप्शन दे रखा है एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये कह रहा है कि हमारे पास बहुपद पी एक्स के लिए पी ऑफ माइनस वन अपने पास क्या है, माइनस का तीन है ना। तो हमें पी एक्स प्लस तीन का, पी एक्स प्लस तीन का अपने पास एक गुणनखंड निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ यदि x बराबर माइनस वन मैं इसमें रख दूँ ना, x बराबर माइनस वन इसमें रख दूँ तो ये हो जाएगा अपने पास पी ऑफ माइनस वन प्लस तीन है ना। तो पी ऑफ माइनस वन कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें माइनस का तीन, प्लस का तीन इक्वल टू जीरो ना। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, x बराबर माइनस वन पर, x बराबर माइनस वन पर पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस थ्री अपने पास जीरो के बराबर आ रहा है। पी एक्स प्लस थ्री अपने पास जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कि अपने पास एक्स बराबर माइनस वन पी एक्स प्लस थ्री का शून्य है ना। एक्स बराबर माइनस वन पी एक्स माइनस तीन का एक शून्य है ना, पी एक्स प्लस तीन का एक शून्य है ना, एक शून्य है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं इसका गुणनखंड निकालूँ तो मैं क्या करूँगा, माइनस वन को इधर भेज दूंगा तो ये जाएगा एक्स प्लस वन पी एक्स प्लस तीन का एक गुणनखंड होगा ना, गुणनखंड होगा ना। तो देखिए दोस्तों, तो x प्लस वन अपने पास एक गुणनखंड आ गया ना, तो x प्लस वन अपने पास पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस तीन का एक गुणनखंड आ गया और ये हमारा उत्तर हो गया ना। देखिए कैसे क्या, तो यहाँ अपने पास p माइनस वन तीन दे रखा था और पी एक्स प्लस तीन अपने पास x बराबर माइनस वन पर जीरो आ रहा था, इसका मतलब x बराबर माइनस वन पी एक्स प्लस तीन का एक शून्य है, शून्य है, इसलिए हमने क्या किया, इस x बराबर माइनस वन को उधर भेज दिया तो ये जगह x प्लस वन है ना, x प्लस वन एक गुणनखंड होगा ना। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि यदि हमारे पास x प्लस a एक गुणनखंड होता है तो हमारे पास जो x बराबर माइनस ए है, x बराबर माइनस ए है वो अपने पास एक शून्य को होता है और यदि इससे शून्य से हमें गुणनखंड ज्ञात करना है तो माइनस ए को इधर भेज देंगे तो x प्लस ए आ जाएगा ना। तो मैंने वही किया, x माइनस वन को माइनस वन को इधर भेजा तो प्लस वन हो गया और x प्लस वन अपना गुणनखंड आ गया। धन्यवाद दोस्तों, उत्तर हो गया। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।